हेलो एवरीवन वन स्वीट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज का वीडियो बहुत ही गजब कच्चे वाला है अगर आप एक टीचर हो टीचर होने के लिए लायक भी हो तो ये सारे जो खुबियाँ हैं और ये सारे जो गुण हैं अगर आपके अंदर नहीं है तो आप भी टीचर नहीं बन सकते अगर टीचर भी हो लेकिन ये सारे जो रोल मॉडल यानी कि गुण हैं उसको पहचानो अगर आपके अंदर नहीं है तो क्रिएट करो लेकिन क्रिएट करने की वजह से क्या होता है ना बच्चों ज़्यादातर बच्चे आपके पास ये है और आप रोल मॉडल बन पाओगे रोल मॉडल भी बनने के लिए ये सारे गुण आपके पास होना चाहिए ये क्या है ऐसे कोई टीचर होने के लिए बेस्ट क्वालिटी एंड गुड टीचर होने के लिए क्या ये सब गुण चाहिए या नहीं है देखेंगे का ब्लैक ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अगर एक आप टीचर हो अच्छा टीचर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर लिसन वेल फास्ट वन टीचर लिसन बच्चों का बात सुनना चाहिए बच्चों क्या बोलता है जब मान लीजिए बच्चों को गाना सुनना है तो आपको गाना बोलना पड़ेगा अगर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो स्टोरी भी सुनना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा अगर बच्चों को आपको कितने प्रकार के जो मोटिव होता है मेथड होता है उसको फॉलो करके आप पढ़ाना है कि तो जब बच्चों का दिल आप जीत सकते हो तो आप अच्छे से अच्छे शिक्षक बन सकते हो नंबर टू टीचर आर गुड कम्युनिकेटर इट मीन्स अगर आप एक टीचर हो तो बच्चों को ध्यान रखते हुए उसका मेथड प्रयोग करना है मान लीजिए आप कभी भी लेक्चर मेथड नहीं यूज करना है आपको ज़्यादातर अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको प्लेइंग वेट मेथड यूज़ करना है बच्चों को जितना खेलाओगे उतना वो पढ़ेगा और आपके साथ मिलजुल कर वो पढ़ाई करेगा और अच्छे से अच्छे से नंबर रखेगा टपर भी बन सकते हो अगर आप एक बच्चे को अच्छे से पढ़ा लेती हो तो आपको देखोगे ज़्यादातर क्या होगा ना स्टूडेंट आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपके साथ आपका अच्छा गुण भी होगा और आप भी उस गांव या उस इलाकों में या इस स्कूल में आप रोल मॉडल बन सकते हो नंबर थ्री टीचर्स आर एंगेजिंग इट मीन्स अब सिर्फ पढ़ाई नहीं करना एक टीचर होने के लिए एक बच्चे टीचर क्या कहते हैं ना बच्चे को सिर्फ पढ़ाना नहीं सभी के लागे आपकी स्पोर्ट्स हो एनसीसी हो रेड क्रॉस हो और जो भी को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल में होता है उनके उसको देखो जो बच्चे जिसमें भाग लेना चाहते हैं उसको मोटिवेट करो कि आप ही वही लड़का हो या लड़की हो जो भी है आप इसीलिए लायक हो टीचर कभी टी मोटिवेट नहीं करते हैं ओनली मोटिव करता है कि बच्चों के अंदर एक खूबियाँ बच्चों के अंदर एक खूबियाँ नहीं होना चाहिए बच्चों सबके सब है क्योंकि एक बच्चा एक कच्चे मिट्टी के तरह होता है ओके बच्चा एक कच्चे मिट्टी के तरह तो आप इस कच्चे मिट्टी को लेकर जो, जो बना ना पाए जो बना गए वो बन सकता है मान लीजिए आप अगर इस स्टूडेंट को आप मान लीजिए साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो उसके अंदर इस साइंटिस्ट का जो डेवलप क्वालिटी होगा उसको अंदर भरो क्योंकि जब बच्चा छोटा है तो वो ख़राब नहीं होता है लेकिन उसका जो सिचुएशन पारिपार्शिक सिचुएशन होता है वो उसको खराब करता है इसलिए खराब होने के लिए बच्चों को मत डांटो बच्चों को नहीं मारो क्योंकि उसका पेरेंट्स का ही पहला गलत है पहला गलती है कि वो बच्चे को सही परिवेश नहीं दे पाते सही एनवायरमेंट नहीं दे पाते नेक्स्ट टीचर हा पेशेंस। ज़्यादातर क्या होता है ना तो टीचर के अंदर पेशेंस नहीं रहता है क्योंकि वो बहुत सारे लोड मिलता है अभी स्कूल वगैरह में तो बच्चों को अंदर ये बच्चों को कभी दिखाना नहीं कि मैं इतना प्रेशर में हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर आपके मुंह में नहीं आने क्योंकि हम लोग का ये जो फेस होता है ये आपका अप, अप, मिरर होता है इसलिए आप अगर गुस्से में हो तो आपको आपके फेस के अगर बच्चे ने जान लिया कि आप गुस्से में हो तो बच्चों डर सकता है क्योंकि टीचर एक ऐसा लोग है अगर बच्चा माता पिता को जित माता पिता यानी पेरेंट्स को जितना बात बताता नहीं उसी का सब की सब बात टीचर को बताता है अगर टीचर गुस्से में होगा टीचर एंग्री मूड में होगा तभी बच्चों डर के भाग जाएगा कभी भी नहीं बोलेगा उसका क्या अब उसका क्या मतलब खूबियाँ हैं और क्या भी बैड क्वालिटीज है वो कभी नहीं बताएगा इसीलिए टीचर को बी पेशेंट जितना हो सकता है मान लीजिए एक बच्चा अगर आपको एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछता है आप उसको समझ दूसरा दूसरा भाषा में यानी कि उसका उसका मेथड आपको ज़्यादातर डिफरेंट आपको बताना है कि अगर एक मेथड में वो इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है तो आपको दे टेन मेथड भी यूज करो लेकिन उसको समझाना के लिए आपको क्या करना है पैसेंस रखना है ओके नेक्स्ट वन इज टीचर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ये सबसे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है क्योंकि इम्पोर्टेंट है आप जितना पढ़ोगे उतना पढ़ा सकते हो जैसे कि मैं मैं टीचर हूँ मैं लगभग एक दिन में दो तीन पेज पढ़ता हूँ मान लीजिए मेरे ही सब्जेक्ट हो लेकिन पढ़ता क्योंकि बातचीत में है कि अगर एक टीचर्स दिन को टेन पेजेस पढ़ता है तो वो हंड्रेड पेजेस के लायक होता है क्योंकि आप जब टेन पेजेस पढ़ोगे टेन पेजेस भी नहीं फाइव पेजेस पढ़ोगे तभी आप फाइव पेजेस के अंदर जो भी बात है उसको क्या करना है स्टूडेंट को बताना है इसलिए आपका भी प्रोसेस और आपका भी पढ़ाई हो सकता है और क्या होता है ना जितना पढ़ोगे उतना न्यू टेक्निक और न्यू लर्निंग न्यू मेथड जान पाओगे और बच्चों को भी इसी तरह इसी मेथड को यूज करके आप पढ़ा सकते हो नेक्स्ट नैसल टीचर्स क्रिएटिविटी वो होते हैं मान लीजिए आपका फिफ्टीन अगस्त ट्वेंटी सिक्स जनवरी टीचर्स डे चिल्ड्रंस डे जो भी है आप स्टूडेंट को मोटिवेट करो ऐसे राइटिंग्स स्पीचेस और जो भी करिकुलर एक्टिविटी उसमें भाग ले और क्या भाग ले क्योंकि बच्चे तो आ, डरापन के वजह से वो नहीं लेते हैं इसलिए इसको मोटिवेट करना पड़ेगा आपको ही आपको स्पीचेस लिखना पड़ेगा आप एक बार स्पीचेस बच्चों के आगे देना पड़ेगा इसके बाद बच्चों के अंदर मोटिवेट आ सकता है कि अगर मेरी टीचर अगर मेरी टीचर अगर बोल सकता है तो मैं भी बोलूँगा नेक्स्ट वन इस एक्टिंग एज ए रोल मॉडल ओके एक्टिंग एज ए रोल मॉडल ये क्या होता है हमेशा आप खुश रहो हमेशा आपको देख अगर एक मान लीजिए टीचर अगर गलत से भी टीचर अगर गलत से भी बोल दे कि कौवा का कलर वाइट है कौवा का कलर वाइट है तो बच्चों के दिमाग के अंदर बच्चों के दिमाग के अंदर एक घुस जाता है कि कौवा का कलर वाइट है जितना आप एल्डर भी हो यंगर भी हो जितना बोलोगे कवा का कलर ब्लैक है वो नहीं बोले क्योंकि वो टीचर को बिलीव करते हैं कि टीचर जो बोलेगा वो सही बोलेगा बाकी कोई भी नहीं उनके पेरेंट्स भी नहीं इसीलिए वो टीचर क्या करेगा कभी गलत नहीं बोलना है अगर नहीं भी आता है अगर आपको पढ़ाई नहीं आता है पाठ भी नहीं आता है दूसरों से पूछो लेकिन गलत मत बताओ क्योंकि बच्चों अगर गलत को पकड़ सकते हैं तो आप, आपको एक्सपर्ट भी नहीं करते है। और ये सर होता है नेक्स्ट वन इज टीचर आपके जो रोल मॉडल होगा क्योंकि आप टीचर अगर रोल मॉडल बन बनने के लिए चाहता है मैं कह तो ये नेक्स्ट वीडियो है टीचर कैसे एक रोल मॉडल बन सकता है आप जगह मैं मैं दिखा लूँगा और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो कमेंट करो और शेयर करो और अगर एक टीचर बनने के लिए चाहते हो तो ये सारे बेस्ट क्वालिटी आपके अंदर होना है अगर आप एक टीचर हो तो आप भी मेरी वीडियो के अंदर आप भी मेरे को मैसेज कर सकते हो कि आपके अंदर किस क्वालिटी है या नहीं क्या आप एक टीचर हो या नहीं हो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आज का वीडियो एंडिंग करते हैं तो शेयर में लाइक में यान सब्सक्राइब में थैंक यू ए नाइस डे